रहा है और मेरा नाम है राघव सिंह इंस्पेक्टर। तुम लोगों को यह मालूम होना चाहिए जिस इलाके में रहता हूँ ना वो इलाका साला एक हफ्ते के अंदर सुधर जाता है। नहीं तो फिर बात सही है, हम उस जगह ट्रांसफर करवाते हैं जहाँ जुएबाजी सट्टेबाजी शराबबाजी सट्टाबाजी का हो नहीं जानते हो, सट्टेबाजी नहीं जानते हो, सिटियाबाजी जानते हो नहीं जानते हो, तुम जानते कुछ हो तुमको बता देंगे। साले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए जहाँ अवैध कार्य होते हैं सारे अवैध कार्य वहाँ हमारा ट्रांसफर किया जाता है, हम साले को इलाका एक सप्ताह के अंदर सुधर जाता है। और साहब इनते कहें हम कहना कुत्ता कुतिया दुनिया में बतला रहे हैं सबके समय है अभी बुलबे नहीं की साले ये बताओ पहले साले कुत्तों की बात लेकर के आया मैं कह रहा हूं सुनो अगर मुरादाबाद में इस तरह से डाकुओं का आतंक मचा रहेगा जी सर तो जनता क्या करेगी जानते हो। और अगर चेल पे डाकुओं का और हमेशा जो रोज जुलम रहेगा इतने दिन नौकरी करत हुई गए हैं क्या हमका 14 साल हुई गए नौकरी करत कर तो हम साले बार बार उल्टी बात नहीं 10 और 4 14 हाँ फिर 3 साल हुई गए हम ते हमका कबहू कोई संगम ले नहीं गवा चलो हम ले चलेंगे आज मगर आज हम आप आज हम ले चलेंगे साथ में और तुम्हारी बहादुरी सर चल के पहाड़ी पे वो और सबको रुतबा जमाना होगा सही बात है। चल के पहाड़ी पे वो सबको रुतबा जमाना होगा अरे आपके लिए चलेगी गोली आपके लिए चलेगी गोली हमको लाठी चलाना होगा गोली चलेगी और चौकीदार की लाठी चलेगी बहुत सही बात चौकीदार शाबाश क्या बात रही अब ठीक सर आप कोई बदतमीजी नहीं करी रहा अब हम सुधर ही गए ना सुधर गए तो सुधर जाओगे धीरे धीरे सुधरोगे ऐसी बात नहीं जब दो चार लाठी मारूंगा साहब इस हमका कोई साहब नहीं मिला हाँ हाँ दो चार लाठी गिरा के तुम्हारे मारूंगा ना तब तू सुधर जाओगे साहब बिगड़ जाए ना मिला क्या तो फिर बुद्धि पलट जाएगी पलट जाएगी कैसे मारे तुम्हारे कैसे मारे हमका कोई नाली में यहाँ ठोक दे ऊपर से दो पत्थर डाल दे एक काम करो सब लोग ड्यूटी पे तैनात हो जाओ जी ठीक जी बढ़ाओ पैगाम देखते हैं वो सारा ज्वाला सिंह रहता कहाँ जी सर और एक बात है पेपर में हमने देखा था नाम कुछ आया है एक लेडीज उसके पास है जिसका बिजली नाम है हाँ हाँ हो ही सकते वो सारी बहुत बादर है ना हाँ यह बस यह इसे अब क्योंकि जब वो अंदर प्रवेश होते हैं ना तो औरतों का जेवर वो बिजली लेती है ये साहब ये जैसे सब डाकू लोग हैं हाँ हाँ ये बदमाश हैं हाँ हाँ और इनके जैसे घर में मेहरुआ है वही बदमाश है बस वो नहीं वो अच्छी होती है औरत कभी ये नहीं कहती है अपने आदमी से कि तुम जाओ उसको मार डालो जाकर के उसके घर में फांद के डकैती साहब
जैसे जैसे मुंशी हुए तो उनकी दुल्हन मुंशी कहा जैसे कोई मास्टर हुए उनकी दुल्हन मास्टराइनी कहा वह बताई थी वही बदमाश उनकी दुल्हन बदमाश है। अरे ऐसा कुछ नहीं, केवल वो बदमाश नहीं है, वो तो इंसान है। साले बदमाश तो आदमी हो जाते हैं और तुम भी उनकी तरह बदमाश हो रहे हो। उनकी मेहरुआ बदमाश नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, तो कोई बात नहीं। ठीक, चलो यहाँ से आओ, बढ़ाओ पैगाम। और तुम एक काम करो, हम अभी गाड़ी ले आ रहे हैं, ठीक जी, और गाड़ी में बैठ करके चलना, ठीक ठीक, पहाड़ों की तरफ, ठीक ठीक, और तब तक गेट की ड्यूटी करो, ठीक, अभी आ रहे हैं, ठीक ठीक। अरे बहु भगत जाए, हाय बहु भगत जाए, बहु भगत जाए, हाय बहु भगत जाए, हाय लगन बिन दुल्हा बहु भगत जाए, लगन की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सदफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना इंस्पेक्टर की बाजी में है। बोलो सदा जी, बोलो क्या कहना चाहते हो? धन अमीरों का धन हमारा, कि आज यूपी की पुलिस हमारी घाटी की तरफ आ रही है। अरे साथियों, मसाले से लैस रहना, ताकि इंस्पेक्टर साला बहुत जानदार है, मुझे खबर मिली है, बड़ा पैगाम चलते हैं, अपना अपना मसाला अपने अपने साथ रखना, अगर नजर तेरे आ जाए तो सामने साले के गोली मारना, बड़ा पैगाम चलते हैं, देखता हूँ कौन साला हमारी पढ़ाई की तरफ आ रहा है, आज चलते दाने के तरह खिलेगी। इंस्पेक्टर रिवाल्वर फेंक दर, नहीं तो बच्चे के खोपड़ी उड़ा दूंगा। इंस्पेक्टर अपने साथियों से कह दो कि ये रिवाल्वर बंदूक से फेंक दे, नहीं तो इसकी वरना इस बच्चे की खोपड़ी उड़ा दूंगा। फेंक दो, इतना इधर फेंक दो, जल्दी से फेंको। नंबर एक, नंबर दो, जल्दी बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ, तरह इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तू मुझे नहीं गिरफ्तार कर पाएगा रे, चाहे एमपी से यूपी तक पुलिस लगा रे, लेकिन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। देख, मैं इस बच्चे को अपने साथ में ले जा रहा हूँ, जब तक मैं तेरी नजर तेरे आऊं तब तक असले नहीं उठाना, बच्चे की खोपड़ी उड़ा दूंगा। ये बताओ
अरे साले एक बच्चे को उठा लाए, मैं गोलियां बराबर चला रहा था, उसने कहा इंस्पेक्टर ये अपना रिवॉल्वर नीचे कर ले, नहीं तो बच्चे साहेब हम का सार पकड़े नहीं रहा नहीं। क्या हम उनके चुरा का भाग गया कहो। तुम साले बड़े किस्मती थे और लठ रहा है या के मारे न के गोल टूट गया क्या तोड़ दिया गोल तोड़ डरे चलो हाथ पैगा में हाथ चलो इंस्पेक्टर वापस जा चुका है लेकिन जा देखो इस चट्टान पे अब नहीं रहना है और तक नंबर पे चलो और सारी चट्टानों पे पहरा लगा दो। अगर कोई आदमी आता है जंगल की तरफ फौरन मुझे खबर करे बड़ा पैगाम चलते है। भैया पुलिस संगम ना रहे हो बदे मासन संग भले रहे हो काहे खातिर उमा बड़ा आफत होते है। हम एकदम बाजार गए नहीं बेनीगंज गई हैं हम ते बहुत बड़ा धोखा हुई गवा। अरे हम ये नारी मनई अरे हम ये नारी मनई हमसे हुई का धोखा भारी हम ये आओ। कहां गया था रे मालिक सोई थी रहे सो रहे तुझे सोने की नौकरी देता हूं रे नहीं नहीं सोई थी ना रात ही सोई थी रहे दिन का तो जागी थी नौकर ये बताओ अभी पिछले तक वापस नहीं हुआ वो सामने तो आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं सूरत की बात तो दुश्मनी की बता दे। दुश्मन क्या तुम्हें बताओ अरे क्या तुम्हें बताओ यार अरे तुमसे कहा नहीं जा रहा है और बिना कहे हमसे रहा नहीं जा रहा है सुनो मेरे यार क्या अरे बताओ क्या तुम्हें दोस्त मने हुआ जो ये हाल मेरा
सूरज लिपटते थे दोस्त भाई, ओ सुमनि सूरज लिपटते थे इंडिया होते देखा है। घबराओ नहीं जाओ, तुम शर्ट में लगो विजय सर। ये सुमन विजय क्या कर रहे हो दोस्त भाई? मेरी बहन के विषय में बता रहे हो? हाँ मेरे यार, तुम्हारी बहन सुमन के विषय में बता रहा हूँ दोस्त भाई। जब हम अचानक जानते हो तुम्हारी बहन तुमसे बहुत बड़ा छल कर रही है, सारा बुढ़ापा तुम्हारा सफल हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, पहले मेरी बहन को बताओ है क्या। अरे दोस्त भाई, अरे वो वही रंग रलिया मना रही है यार, जानते हो। अरे तुम्हारी बहन एकलौती है ना, तुम बहुत उससे प्यार कर रहे हो, इसी से जानते हो नाजायज खामोशी का फायदा उठा रही है वो। अरे जानते हो वो टहलने नहीं जाती है, बल्कि वो सूरज से मिलने जाती है। दोस्त भाई जानते हो, आज जब हम उसके साथ गए तो वो हमसे कहने लगी, विजय भैया यहीं ठहरो तुम, हम जाते हैं बाग के अंदर। हमने कहा हम भी चलेंगे, तो कहने लगी नहीं, वो जनाना बाग है, केवल वहां जनाना जा सकते हैं मर्दाना नहीं। दोस्त मन हम वहीं रुक गए और वो चली गई बगीचे के अंदर। हम वहीं बैठे बैठे उसकी रास्ता देखते रहे। जब सूरज ढलने लगा तो हमने सोचा कि ये इतनी टाइम हो गई, अभी सुमन क्यों नहीं आई। दोस्त मन जब हम बगीचे के अंदर गए तो वहां क्या देखा, तुम्हारी बहन सुमन और वो साला सूरज आपस में लिपट कर ऐसी बातें कर रहे थे। जब हमने देखा तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे यार, हम गए सीधा, हमने कहा सुमन ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती है। अरे तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम यहाँ ये गुल खिला रही हो, तो जानते हो वो हमसे क्या कहने लगे, भाग जाओ यहाँ से अन्यथा इतने चप्पलें मारूंगी तो भैया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। जब हमने फिर उनसे कहा नहीं बहन घर चल, अब वो नहीं आई जानते हो दोस्त भाई, तब साला सूरज अकड़ गया और दोनों ने मिलके हमें बहुत मारा और हमारे हाथ हमारे पीछे बांध दिए और हमारा ही रॉयल बन निकाल कर हमारे मुंह में कर दिया। दोस्त बल अब हमें मजबूरी में वहां से भागना पड़ा। दोस्त बल जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो यार दूसरों के ऊपर जुल्म। और वो साला सूरज कितना लंबा था, अरे यार ताकि तुम हराम ज्यादा से कुछ नहीं कर पाए दोस्त मन। और मैं नहीं सोचता था दोस्त अमर सिंह से बात छोटा लगा। अरे नहीं दोस्त मन, हम करते भी क्या, तुम्हारी बहन और सूरज ने हमें पकड़ लिया। पहले तो हमने साले से युद्ध किया, फिर जानते हो तुम्हारी बहन और सूरज ने पकड़ करके हमारे हाथ बांध दिए। उसके बाद हमारा रिवॉल्वर हमारे मुंह में लगा दिया। दोस्त मन कहने लगा यहां से निकल जाओ, अन्यथा टाइगर दबा दूंगा तो तुम्हारी खोपड़िया जैसे खरबूजा फटता है वैसे फट जाएगी। अरे दोस्त मन हमें मजबूरी में वहां से आना ही पड़ा, अगर आते नहीं तो हो सकता तुम्हारा दोस्त ये विजय सिंह तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता,
वही जनाना बाग में उसकी लाश पड़ी होती, लाश मेरे यार, इसीलिए हम वहां से भाग कर आ गए। मैंने तुमसे कहा था मेरी अकलौती बहन जिगर की टुकड़ी है, तुमने आज मेरे बहन के विषय में कुछ वहां नहीं कर पाया, तो गद्दार है गद्दार। नहीं यार ऐसा, और पिता से लिख लो तू गद्दार। तैयार हो जाओ या पुरी जाने के लिए तैयार। मेरे दोस्त सारी जिंदगी नहीं मेरे यार, अगर तुम्हारी बहन बीच में ना आती तो कसम भगवान के साले सूरज को खत्म करके आता। लेकिन यार दोस्त बन, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम सोचते होगे हो सकता हो ये विजय सिंह मुश्किल हो। दोस्त बन तब खा के परमात्मा की कसम कह रहा खा। और कसम कह रहा दिल भी झूठी बताई नहीं, और आपकी जो बहन है सुमनिए सुनो, आपकी जो बहन है सुमनिए सुनो, सूरज से प्यार करती है, सुमन है वो सूरज से बहुत प्यार करती है यार, इसीलिए हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगर इसने हमारे मुंह में असलाह कर दिया है तो हम वापस चले आए। अगर तुम्हारी बहन वहां नहीं होती, तुम्हारी बहन वहां नहीं होती तो अपने नौकर से असलाह निकलवा लेता, आप चुपके से जाता, दोनों को खत्म कर देता मेरे यार। ठहरो विजय सिंह। लेकिन हमने सोचा अगर सुमन को कुछ हो गया तो तुम भी जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम सुमन को बहुत मानते हो बहुत, इसीलिए हम चुपचाप चले आए मेरे यार। विजय सिंह ठहरा, मैं ढूंढ लिया तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई को, चोट नहीं आई है मेरे यार। अगर तुम जान भी ले लेते तो विजय सिंह उठ नहीं करता मेरे यार, क्योंकि कोई दूसरा हमें हाथ लगाने वाला पैदा नहीं है। तुम हम मेरे यार, अगर तुम हमारा गला भी काट लेते तो विजय सिंह गला भी कटा लेता। विजय सिंह तो हम मेरे यार, ये लो संभालो पिस्तौल। बताओ ये सारा सूरत कौन है और कहां कर रहने वाला है? दोस्त मन तुम सूरज को नहीं जानते हो? नहीं। अरे ये सारा सूरज वही हिरुआ का लड़का है जो कुछ दिन पहले हमारे तुम्हारे यहाँ से साला कर्जा 500 रुपया ले गया था। क्या उसी हिरुआ का छोकरा है? हिरुआ मेरी हमारी चौपाल में आया था तो कहा था मालिक मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तेरा लौंडा ने
तेरा छोकरा ठाकुर अमर सिंह के गले बांध पे हाथ नहीं बल्कि उसका हम मेरे यार होकर तैयार भारत और चलो साथ में। चलो साथ में तेल मतलब यहां पर लगाओ नहीं पैर का चुकाऊंगा अपना बहा बाद में साल में चल आपके हुक्म से कुछ उचर है नहीं अरे कुछ उचर है नहीं तब चलो साथ में अभी चलता हूं मैं चल के हिरुआ के घर में बगावत करे देखता हूं कैसे चिंता पर नहीं ठीक है कुर्बान कर दूंगा अपने को नहीं कदम पीछे कभी ना हटा आज ठाकुर ठाकुर अमर सिंह तेरी झोपड़ी की तरफ आ रहा है एटन बेल के साले तू मेरा पता नहीं चलो दोस्त बन पाएगा चलो भैया पता नहीं बिजली आज पड़ी कहीं नहीं ना भैया पता ना आज इतना टाइम हो गया अरे बापू बापू बेटी आज बड़ी खुशी की बात है खुशी की कुछ आप कहना चाहते हो बापू वो कौन सी खुशी बापू और मेरे प्यारे पिता मेरे अच्छे पिता मेरे प्यारे पिता पढ़ाया पिता पुलिस की नौकरी अब मुझे मिल गई अब जो किस्मत थी हमारी चमक जो आप जो किस्मत थी की बापू मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिली है और मुझे आज ही ड्यूटी पर जाना है कल से मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना होगा लेकिन सूरज भैया कहाँ है बापू हाँ बापू अरे सूरज हाँ आज खुशी की बात है अरे तेरी बहन इंस्पेक्टर बन गई इसकी नौकरी पा देख भैया मैंने तुझसे कहा था कि अगर परमात्मा चाहेगा तो जरूर किसी की किस्मत चमकेगी पूजा हाँ बापू एक बात बताऊं कहिए बापू मेरी अच्छी लड़ी मेरी प्यारी लड़ी Thank you.
पहली तनख्वाह मुझे प्राप्त होगी, मैं पहले माँ का पैसा तत्काल घर भेज दूंगी, क्योंकि बापू मैं जानती हूँ ठाकुरन के हर कर्जा जो रुपया हम 500 लाए रहे हाँ बापू वो कांटा के ना है हमारे हर वक्त घर का हाँ बापू वो पैसा जिम्मेदार को दे देना, जो पैसा बचे घर का कर खर्चा चला लेना। लेकिन भैया मुझे आज ही जाना है। हाँ बापू आपके कहने का मतलब कि तुम आज ही जाना चाहते हो? जी भैया। ठीक है मेरी बहन। हाँ भैया आज ही अगर जाना चाहती हो तो चलो हम तुम्हें स्टेशन तक भेज जाएंगे। भैया बोल बहन की एक बात को याद रखना मेरे भाई। कौन सी बात को? आज तो मैं घर से जा रही हूँ और पुलिस की नौकरी तुझे मालूम है चाहिए। जानता हूँ ना जाने कब मैं आऊँ। आज के बाद घर की सारी जिम्मेदारी तेरे सर पे है मेरे भाई। ए मेरी बहन